बच्चियां अलग अलग हैं, आज के पास देख रहे हम लोग का वो नहीं है, बच्चियां हो या बच्चा हो एक समान है। और आप लोग लीडर बन के शिक्षा ग्रहण कीजिए और घर को संभालिए, अपने परिवार को संभालिए, गांव समाज को संभालिए, आपके ऊपर निर्भर करता है। आज सभी विभाग का क्षेत्र में महिला पुरुष कोई भेदभाव नहीं, पुरुष हो या एक कोई जहाज वैज्ञानिक जो गई थी साइंटिस्ट, तो वो हम लोगों का देश का मान बढ़ाई थी। तो उसी प्रकार हम ये निवेदन करेंगे गार्जियन लोगों से भी किया करके और यहाँ नामांकन अधिकांश करवा करके शिक्षा ग्रहण करवाएं और हम लोग पास पड़ोस के भी लोगों को उत्साहित करें कि इतना अच्छा चीज बच्ची के लिए ये जो खुला हुआ है केंद्र, तो इसमें शिक्षा ग्रहण करें। और मैं यही बात को आपके समाप्त करता हूँ। उदय भाई बहुत बढ़िया से संचालन सबको गौरवान्वित करते हैं, धन्यवाद। थैंक यू सर। संक्षिप्त विचारधारा के लिए मैं जिसान अहमद खान समाज सेवी और नेता मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद उदय भैया, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य लोग एवं मुख्य अतिथि के रूप में नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले आज के इस मंच के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान होने पर बकनौरा पंचायत के मुखिया और यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं बहनें भाई एवं सामाजिक कार्यकर्ता, हम लोग कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र के का जो नया स्टार्टअप है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि नारी शक्ति करण कैसे हो, नारी देश के बदलाव में नारी की भूमिका क्या रहती है। जब एक वक्त था जब माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे तो देश उस वक्त भूखमरी के दौर से गुजर रहा था। उस लाल बहादुर शास्त्री एक दिन का उपवास रखने को कहा था और आज का देश है, अभी का देश है, अभी हम लोग हैं कि हम लोग घर घर शिक्षा और टेक्निकल मुफ्त में लेकर चल रहे हैं। ये सरकार की बहुत बड़ी योजनाएं हैं जो नारी को मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य है। देखिए सिलाई मशीन और सिलाई करना करकर नारी का यह एक तरह से गहना माना जाता है, ये प्रशिक्षण नहीं भी हो लेकिन नारी सिलाई सीख चुकी है, ये प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? ये प्रशिक्षण का उद्देश्य ये है कि इस प्रशिक्षण के बाद हर क्षेत्र, हर राज्य, हर गांव, हर वार्ड जो है वो स्टार्टअप इंडिया से जुड़े। इस प्रशिक्षण के बाद जब स्टार्टअप इंडिया से जुड़ेगा, जब लोग सिलाई मशीन के साथ 10 समूह, 10 लड़की की समूह जब एक साथ तैयार होकर करेंगी तो कोई हो सकता है कि कपड़ा वाले फैक्ट्री से एजेंसी लेके अपना स्टार्टअप इंडिया के साथ शुरुआत करेगा, या हो सकता है कि स्टार्टअप इंडिया की योजना के साथ अपना फ्री में दुकान और देश की अर्थव्यवस्था में एक भागीदारी बने। ये उद्देश्य आपको सिलाई सिखाना नहीं है या मात्र एक उद्देश्य आपको स्किल करके छोड़ देना नहीं है, सरकार का इसके साथ विजन है। दूरदृष्टि का ये परिचय देता है कि सिलाई के बाद आप स्टार्टअप इंडिया के साथ जुड़ेंगे, देश की अर्थव्यवस्था में आपकी भागीदारी सुनिश्चित होगी, राज्य के डेवलपमेंट में आपकी भागीदारी सुनिश्चित होगी, गांव के विकास और क्रियाशील सशक्त नारी शक्तिकरण में आपकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। इसलिए लोगों को इस एनजीओ के साथ जोड़ना है, इसलिए हम लोग को इस विजन के साथ लोगों को मोटिव करना होगा कि अगर हम इस एनजीओ के साथ जुड़ेंगे। देखिए सिलाई सीखना मात्र उद्देश्य नहीं है, लोग बताएंगे भेदभाव ये सारी चीजें तो खत्म हो गया है उदय भैया, हम लोग को विजन के साथ जुड़ना होगा, विजन ऐसा जो इसके लिए।